सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक मेरे पास ये सरकारी आदेश जो है कल लगा हुआ था। ये पहले का लेटर है, भैया नमस्ते, मैं आगरा से हूँ और इसका क्या मतलब है बताइए। ये एक लेटर आया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी आप कह सकते हो केंद्र सरकार की तरफ से जो लेटर जारी है ये सभी राज्यों के लिए था। और इसमें हम आपको बता दें एक ये लिंक दी गई थी, इस लिंक के जरिए आप सबको रजिस्ट्रेशन करना था यानी ज्वाइन कर लेना था। लिंक थी आपकी, देख सकते हो pmevents.ncog.government.in। तो ये एक लिंक है वेबसाइट की, इस पर आपको जाना है, ये आप टाइप कर लीजिए, उसके बाद वहां पर जाकर के आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन अपना करना था। ये कब के लिए था, 16 तारीख को एक कार्यक्रम वगैरह जो मनाया गया उसी के संबंध में था। लेटर काफ़ी पहले का है, 13 अक्टूबर का, काफ़ी लेट आया, ऊपर से कल तक आपको कोई वीडियो नहीं मिले। तो अब ये सब जो भी कार्यक्रम था 16 वाला वो खैर चला गया, उसको छोड़िए। अब आगे आपको बता दें, ये देख लीजिए एक मैसेज है इसमें, यहाँ पर एक आंगनबाड़ी बहन थी, उनकी जो डेथ हुई थी उनके परिवार को 50 लाख रुपए की जो अनुग्रह राशि है उसकी स्वीकृति मिल गई है। ये मेरे पास मैसेज लगा हुआ है, कल का हो या परसों का हो, इसमें लिखा है असीम अनुकंपा दिखाते हुए बाल विकास परियोजना बनिकोदर वगैरह के मृतक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती गीता बहन जो थी, तो उनको उनके परिवार को जो है यहाँ पर 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी गई है। जिलाधिकारी महोदय ने इसकी स्वीकृति दे दी है और ये जिला कार्यक्रम अधिकारी बाराबंकी से जो है वहीं से बहन थी। 15 अक्टूबर को लेटर निकला है, कोविड के कारण जो डेथ हुआ था बहन का, और गीता पाल जो है पत्नी श्री जितेंद्र कुमार जी, और उनकी डेथ हुई थी तो उन्हीं के परिवार को यह अनुग्रह राशि दी गई है। और इसमें जिस किसी ने भी अपना सहयोग दिया उनको भी धन्यवाद। फिलहाल आगे चलते हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक ये मेरे पास आदेश लगा है, इसमें लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण के संबंध में। तो अभी जो बिहार में नई जो है टोकन प्रणाली लागू की गई पोषाहार वितरण में, उसी को लेकर के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। 16 तारीख को कल लेटर ये निकला था, मधुबनी जिले से हैं एक आंगनबाड़ी बहन, उन्होंने मुझे ये भेजा है ट्रेनिंग के बारे में। तो चलो देख लेते हैं ट्रेनिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। ये 20/10/2020 को ट्रेनिंग लगी है, आप देख लीजिए, जिले का नाम अररिया है और यहाँ पर ये आपके लिंक दी है meetgoogle.com वगैरह से जाकर के सब होगा और आपके ग्रुपों में खुद ही लिंक भेज दी जाएगी। 11 से 12 बजे का टाइम है और इसमें देख सकते हो कितने CDPO हैं, DPO हैं, DO हैं, परियोजनाओं की संख्या सब दी हुई है। ऐसे ही देख लीजिए जिला जो जिलों वगैरह के नाम यहाँ पर भी दिए हुए, इसमें भी यही सब लिखा हुआ है। फिलहाल आंगनबाड़ी बहनों के बारे में तो इसमें नहीं लिखा है तो हम इस मैटर पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये जो ट्रेनिंग टाइप का है ये आपके अधिकारियों के लिए है, तो ये आपका चलेगा 21 तारीख तक। आगे देखिए अगला एक और ये मैसेज है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो आप देख लीजिए सोन वर्षा वगैरह लिखा हुआ है, तो हम आपको बताना चाहेंगे सोन वर्षा से है, सहरसा में पड़ता है। ये एक लेटर और निकला है, इसमें लिखा हुआ है रेखा कुमारी और एवं आरती कुमारी एवं जो है सभी आशा इनके साथ में आंगनबाड़ी केंद्र 1 से 50 तक की सभी आंगनबाड़ी सेविका, ऐसा सब लिखा हुआ। 19 जो है अक्टूबर को इनका भी 1 बजे से 2 बजे ये कुछ मीटिंग जैसा है और ये मीटिंग है थर्मल स्क्रीनिंग के लिए। अभी आप लोग देख रहे हो चुनाव ड्यूटी में बहनें बिहार में लगी हैं आशा आंगनबाड़ी बहनें, तो इनको मतदान केंद्र पर जाना है, लोगों को इस थर्मल स्क्रीनिंग उनकी करना है, इसी के बारे में बहनों का भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये 19 तारीख को है, 20 तारीख को है और 21 तारीख को, ये तारीखें पड़ी हुई हैं आप देख पा रहे होंगे, इसमें आंगनबाड़ी बहनें हैं। और आगे देख लीजिए एक ये लेटर मेरे पास आया हुआ है, इसमें 16 अक्टूबर को ये कल निकला है लेटर, समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी महिला कल्याण को और समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी लोगों को DPO को भेजा गया है। प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंब के लिए विशेष अभियान जो मिशन शक्ति है, इसके बारे में मैंने पूर्व में आपको पूरा आदेश बता दिया था। मिशन शक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी जो आ रही है वो आप और देख लीजिए, जो भी कार्यक्रम है वो डेली आपको आज से मनाने हैं, इसमें आपको पैदल वगैरह जागरूकता करनी है यानी लोगों तक जाना है, ये सब चीज़ें हैं। आगे देख लीजिए इसमें जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, ये 17 से 25 अक्टूबर तक तो अभी आपका चल रहा है, इसके आगे भी ये थीम सब चलेंगी। 17 से 25 अक्टूबर 2020 तक जो थीम है विषय यानी उसमें है महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सम्मान तथा स्वावलंब के लिए है। उसके बाद आपका 14 से 20 नवंबर में जब चलेगा तो बाल एवं महिला अधिकार तथा मानसिक स्वास्थ्य व मनोसामाजिक परामर्श के लिए 14 से 20 नवंबर को चलेगा। ऐसे ही 10 से लेकर के 16 दिसंबर में जब चलेगा तो महिलाओं तथा बच्चों की जो है यहाँ पर तस्करी तथा बल
पूर्वक जो है भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, ये सब चीज़ों मुद्दों पर आपको बताया जाएगा, ये थीम रहेगी। साथ ही 24 से 30 जनवरी 2020 में जो चलेगा वो कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के चलेगा। आगे है 24 फरवरी से 20 फरवरी को जो मनाया जाएगा उसकी थीम रहेगी यौन अपराध हैं, किशोरावस्था में है किशोरी किशोरियों को समर्थन, ये सब चीज़ें हैं। 8 से 15 मार्च को जो रहेगा घरेलू हिंसा तथा सुरक्षित यात्रा के विषय में रहेगा। 13 से 22 अप्रैल को जो रहेगा उसमें बाल विवाह तथा समापन, इसके बारे में थीम रहेगी। आगे देख लीजिए, ये आपका जो भी है वो सब मिशन शक्ति के तहत ही सब आएगा। मैंने आपको मार्च अप्रैल तक का सब बता दिया किस किस महीनों में क्या क्या होगा, और ये विभाग वगैरह सब कुछ इसमें सब पड़ा हुआ। फिलहाल अभी 17 से 25 अक्टूबर तक जो भी है वो आप लोग देख लीजिए, उसमें महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंब के लिए अभी थीम है आपकी। आगे आपको बताना चाहेंगे, आगे और भी देख लें, ये आदेश है इसमें जो भी लिखा है वो हम आपको पहले बता चुके हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25 तक जो भी हैं, जिन जिन दिनों पर क्या मनाया जाएगा वो सब हमने पूर्व के शायद 2 दिन पहले ही आपको वीडियो दे दिया था। अगला यहाँ पर एक और मैसेज, सरकारी आदेश है समाहरणालय सीतामढ़ी से है, जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से। इसमें देख सकते हो स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 22 जो अक्टूबर है मतदान निर्धारित है, इसीलिए यहाँ पर बिहार में बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी हैं, मतदाता वाला है, ये सभी लोग जो भी हैं कोविड-19 से वहां पर बचाव के लिए आंगनबाड़ी और आशा इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनको यानी अभी ट्रेनिंग दे करके वहां पर लगाया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, सीतामढ़ी में भी वही ट्रेनिंग वाला है। 16 तारीख को ट्रेनिंग यानी कल हुई होगी और ये 16 को हुई होगी, ये इनको छोड़ दो। 17 तारीख आज है, आज प्रथम पाली में 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे तक यहां पर देख लीजिए जो आपका बाजपट्टी एवं सीतामढ़ी पड़ता है वहां पर मनाया जाएगा, और प्रमोशन ये आपका प्रशिक्षण टाइप का चलेगा। सभी एनएम पहुंचेंगी, आशा बहने जाएंगी, आंगनबाड़ी सेविका बहने जाएंगी। 17 तारीख को और होगा आपका रुन्नी सैदरपुर एवं आपका बेलसंड वगैरह है वहां पर भी होगा, और भी आपके बिहार, पूरे बिहार में और भी कहीं कहीं ऐसे ही लेटर जिलों में निकले होंगे आपके प्रशिक्षण के बारे में। चुनाव ड्यूटी में आप लोगों को काम में लगाया गया, उसीलिए आपको पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तरुन्नुम खातुम बहन है, उन्होंने मुझे ये बिहार से जानकारी भेजी थी। अब हम आप लोगों को आगे दिखाना चाहेंगे जो भिगोलो, भिगोले के बाद साबुन लगा के ऐसे ऐसे हथेली से हथेली को रगड़ो, ठीक है, ऐसे रगड़ना है। पहला स्टेप ये है, फिर दूसरा ये वाला है, ऐसे उंगलियों को ऐसे करना, ठीक है, ऐसे ये वाला, फिर तीसरा ये है, ठीक है, फिर ये है अंगूठे वाला, ठीक है, और पांचवा ये है इस तरह से, ऐसा, ठीक है, और छठा ये है ऐसे, साबुन को ऐसे रगड़ना, ठीक है, हाथों को धोने के बाद में कपड़े से या तौलिया से नहीं साफ करना, ऐसे करने हैं, ठीक है, ये हवा में सुखाने हैं ऐसे, क्योंकि हम तौलिया से साफ करेंगे या जल्दी वो अपने कपड़ों से साफ कर लेते तो फिर कीटाणु हाथों में आ जाएगा, तो हमारे हाथ फिर बिना धुले हो जाएंगे, ठीक है। और हाथ कब धोने चाहिए, खाना बनाने से पहले, खाना खाने के बाद, बच्चों की पोटी के बाद, सोच के बाद में, ठीक है, और किसी का कोई बीमार है, किसी का मलहम पट्टी कर रहे हैं तो उसके वो करने के बाद में, मलहम पट्टी करने के बाद में साबुन से हाथ जरूर धोएं, बच्चों को दूध पिलाने से पहले, ठीक है, पैसों का लेन देन किसी से करो तो तब साबुन से हाथ धोने चाहिए, और 40 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं, ठीक है। साबुन लगा लिया, कैसे मल लें, ऐसे मल लें आप, ठीक है, उसके बाद ऐसे मल लें पीछे उल्टी तरफ से, फिर ऐसे मल लें, फिर ऐसे मल लें, धूप के मान ना आ रही, फिर ऐसे मल लें, उधर खींची उधर साफ आ रही, खींच ली इनने एक बार, फिर ऐसे सामने से, फिर ऐसे अच्छी तरह से पानी से, नो काटो, नो काटो, गंदगी कर रहे हो ना तुम, तो लड़की लड़की ना, ठीक है।
इसका इस तरीके से इसमें एक कर दो तो दो इंजेक्ट बटन है और क्या आपको सीएससी आग बनाएंगे क्या करेंगे आग बनाएंगे बना करके फिर इसको रख करके इसके बाद देखिए ऐसे चूल्हा मलेंगे उसके बाद ऐसे उल्टा मलेंगे मलिए आप लोग समझ लो फिर इसके बाद जो है इसमें गाय से निकालेंगे इसमें गाय से और ये जैसे ये वाला भाग हो गया इसका इसके बाद ये जो नाखून में गंदगी है और ये जो लकीरें हैं इसको ऐसे साफ करेंगे हाँ सब लोग मलेंगे और हम सो करके बता रहे सभी लोग बोलिए फिर उसके बाद देखिए सब जाकर के फिर ऐसे ऐसे कलाई तक मल लीजिए पानी दीजिए भाई वहाँ एकदम सो लेने लगा तो वहाँ चल जाए काम लगा तो और घूस कर लेना तो बहन के दुल्हन को मार के बाद ऐसा हाथ धोने का तरीका पहले साबुन लगाओ फिर रखो साबुन के फिर सीधा हाथ से सीधे दोनों करो फिर उल्टे हाथ से दोनों वैसे फिर मुट्ठी हंसो ना फिर मुट्ठी फिर ऐसे अंगूठा दोनों अंगूठा मतलब ऐसे हाँ फिर यहाँ से नाखून और कैसे कलाई ऐसे एक दूसरा आदमी पानी डाले पूरे कलाई से दोनों हाथ ऊपर से फिर ऊपर दोनों हाथ करके सुखाओ कपड़े में नहीं पहुँचने हो गई उधर देख रहे उधर देखो आ जाओ ये घर आपको समझ लो हम नहीं भागो जाता कई कई बात में लग जा रहा है जब भी कोई चीज लेने आना तो हाथ ही जरूर धोने हैं आशा देंगे आशा पहले ऐसे ऐसे करते हैं पहले सीधा हाथ करते हैं उसके बाद से बैक मतलब पीछे करते हैं ऐसे ऐसे करेंगे सब लोग करो देखते भी रहो करते भी रहो ऐसे ऐसे करेंगे फिर उसके बाद से ऐसे पूरा एक एक उंगली साफ करेंगे कितने मिनट तक होना चाहिए बताओ
बनी का है ना वीडियो बनाओ तो फिर उसके बाद से ऐसे मतलब धुलेंगे इनका तो पूरा सूख गया 5 मिनट तक धुलाई करना है 5 मिनट तक लेकिन 5 मिनट 8 से 40 हो जाए कम से कम 1 मिनट 5 से 10 मिनट तक हाथ धुलवाना है घर घर जा जाए घर जाके आज ये दिवस था तो मना लिया गया बाहर का हां घर से वही का पता नहीं बाहर घर से काम करता हम लेकिन हाथ धोए एक बार नीचे नहीं करे ऐसे हाथ ऐसे धो ना पोछा जब पानी गिर जाएगा तब पोछना पड़ेगा हां ऐसे आप हमारी साड़ी को धोई कगाल गया तो लोग नहा लिए जो जिला संभल ब्लॉक अशोली बाहर हैंड वॉश करना सिखाऊंगी कोविड-19 के चलते हुए हमें कोरोना से बचने के लिए हाथ धोना समय समय पर बहुत जरूरी है जिसमें कि कम से कम हमें 20 सेकंड लगाने चाहिए अपने हाथ धोने के लिए और जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ छूने से पहले कोई भी चीज़ को अगर हम छूएंगे तो उससे पहले हम हाथ धोएंगे उसके बाद भी हम हाथ धो के जब दूसरी चीज़ छूएंगे ताकि हम पर कोविड-19 का कोई असर ना हो तो हाथ धोने के मैं कुछ तरीके बताऊंगी जैसे कि हाथ धोने का 8 तरीके होते हैं पहला तरीका हमें पानी में इस तरीके से इसको हम पहले नंबर 1 स्टेप नंबर 2 नंबर 2 ये स्टेप हुआ हमारा नंबर 3 ये नंबर 4 ये नंबर 5 ये मुट्ठी और नाखून नंबर 6 कोहनी तक हमें हाथ धोने नंबर 7 हमें पानी से हाथ धोने और नंबर 8 हमें अपने ये हाथ धुले हुए ना ही किसी कपड़े से सुखाने हैं ना ही तौलिया से सिर्फ हमें ये पानी हवा में सुखाना है इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने परिवार में करना है और अपने बच्चों को सिखाना है इस तरीके से हाथ धुलवाने हैं जय हिंद जय भारत